गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप यू ऑल आर फाइन. टूडे आई विल टीच यू चैप्टर वन, नोइंग आर नंबर्स ऑफ क्लास सिक्स मैथ्स. नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हम जैसे कि हम जानते हैं कि मैथ्स में नंबर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो ये नंबर्स बनते कैसे हैं? इसके लिए हमें डिजिट्स की नीड होती है. अब वो डिजिट्स क्या होती हैं, चलिए हम देख लेते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या हैं आपकी डिजिट्स. जब मैं दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स को एक साथ कर दूंगी तो क्या बन जाएगा आपका नंबर. चलिए कुछ एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 और 8 को एक साथ लिखा तो क्या बन गया आपका एक ये नंबर. और यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए कैसा नंबर है, 2 डिजिट नंबर. इसी तरह जब मैं यहाँ पर 3 डिजिट्स को एक साथ लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा आपका एक नंबर. और ये कैसा नंबर है आपका, 3 डिजिट नंबर. इसी तरह हम यहाँ पर 4 डिजिट्स लेंगे, 5, 8, 9, 0. ये क्या है आपका एक 4 डिजिट नंबर. क्यों? क्योंकि इसमें कितने डिजिट इन्वॉल्व हैं, 4 डिजिट इन्वॉल्व हैं. इसी तरह अब आपको जो एक चीज़ याद रखनी है वो है कि 0, 1, 2 ये खुद में एक नंबर है. इसी तरह 0 to 9 ये सब डिजिट्स होने के साथ साथ खुद में एक नंबर भी हैं. चलिए अब हम पढ़ेंगे नंबर्स का कंपैरिजन. क्या पढ़ेंगे हम? नंबर्स का कंपैरिजन. ओके, कंपैरिजन कैसे करते हैं? कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन, कंपैरिजन का मीनिंग होता है जब हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमें ये बताना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन से नंबर आपस में इक्वल हैं, उसको बोलते हैं कंपैरिजन. आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इजी वे बताऊंगी जिसके थ्रू आपको कंपैरिजन करना बहुत इजी होगा और आप लार्ज से लार्ज नंबर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं. चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर नंबर 5, यहाँ पर नंबर 8. आप जानते हैं कि 8 5 से बड़ा होता है. इसी तरह अब इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अगर मैं यहाँ पर एक 2 डिजिट नंबर ले रही हूँ, 48, और मैंने यहाँ पर लिया इसको 84, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हम कैसे कंपेयर करेंगे? कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको हमेशा नंबर्स का फर्स्ट प्लेस कंपेयर करना है. फर्स्ट प्लेस कंपेयर करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है. इट मींस 4 और 8 में कौन सा नंबर बड़ा है? 8. इट मींस 84 इज़ ग्रेटर दैन 48. अब 3 डिजिट नंबर्स में हम कंपेयर करके देखते हैं. मैं यहाँ पर एक नंबर ले रही हूँ 930 और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 948. ओके, अब आप देख रहे होंगे मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट प्लेस कंपेयर करेंगे. फर्स्ट प्लेस कंपेयर करने पे हम देख रहे हैं कि दोनों प्लेसेस पर 9 है. इट मींस अब हम कौन सा प्लेस कंपेयर करेंगे? सेकंड प्लेस. सेकंड प्लेस पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है. इट मींस 4 जो होता है वो 3 से ग्रेटर होता है, दैट्स वाई 938 से ग्रेटर होगा. अब हम एक 5 डिजिट नंबर के थ्रू इसको समझेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया एक नंबर 7, 5, 6, 3, 2 और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7, 5, 2, 6, 3. जैसे कि मैंने आपको बताया हम यहाँ पर फर्स्ट प्लेस कंपेयर करेंगे. फर्स्ट प्लेस कंपेयर करने पे हम देखेंगे कि यहाँ पर 7 है तो दोनों जगह सेम है. इसी तरह अब हम सेकंड प्लेस पे मूव करेंगे. सेकंड प्लेस पर हम देखेंगे दोनों जगह 5 है. इट मीन्स अब हम थर्ड प्लेस पर मूव करेंगे. थर्ड प्लेस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है और हम जानते हैं कि 6 2 से ग्रेटर होता है. इट मीन्स नंबर्स, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से ग्रेटर होगा. इस वाली ट्रिक से, इस वाले मेथड से आप कितना भी बड़े से बड़ा नंबर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं. अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, प्लेस. प्लेस कॉमनली तो हम यूज़ करते हैं, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है, ये फिफ्थ प्लेस है. ओके, पर मैथ्स में इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसको बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू. क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू. अब हमारे मैथ्स में इस प्लेस वैल्यू को स्टडी करने के 2 सिस्टम्स हैं. फर्स्ट इंडियन सिस्टम एंड सेकंड इंटरनेशनल सिस्टम. इंडियन सिस्टम में लाख और करोड़ होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन एंड बिलियन होता है. अब मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लाख और बिलियन सेम है, करोड़ और बिलियन सेम है. पहले हम इन दोनों सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लाख और मिलियन सेम है और करोड़ और बिलियन सेम है. तो आज हम सबसे पहले इंडियन सिस्टम को स्टडी करेंगे. इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. मैं यहाँ पर एक नंबर ले रही हूँ 8452, ये एक नंबर है.
अब देखेंगे इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी प्लेस वैल्यूज क्या क्या होंगी. देखते हैं हम, टू वंस पोजिशन पर है, फाइव टेंथ पोजिशन पर है, फोर हंड्रेड पोजिशन पर है एंड एट थाउजेंड पोजिशन पर है. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, टू वंस पोजिशन पर है, फाइव टेंथ पोजिशन पर है, फोर हंड्रेड पोजिशन पर है एंड एट थाउजेंड पोजिशन पर है. तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको क्या रीड करेंगे, 8452. एक अदर एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं. मैं यहाँ पर एक नंबर ले रही हूँ 95603. अब देखते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी प्लेस वैल्यूज क्या क्या होंगी. थ्री वंस पोजिशन पर है, ज़ीरो टेंथ पोजिशन पर है, सिक्स हंड्रेड पोजिशन पर है, फाइव थाउजेंड पोजिशन पर है एंड नाइन 10,000 पोजीशन पर है. तो हम इसको अब कैसे रीड करेंगे, चूंकि 9,000 पोजीशन पर है और 5,000 पोजीशन पर है इसलिए हम इसको रीड करेंगे 95,000. 600 पोजीशन पर है, 0 टेंथ पर एंड 3 वंस पर, तो इसको एक साथ पढ़ेंगे क्या पढ़ा जाएगा, 603. अब इसको हम एक साथ पढ़ते हैं 95,603. एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे. मैं एक नंबर ले रही हूँ यहाँ पे 8, 7, 6, 4, 2, 1. ओके, अब इसको समझते हैं. 1 वंस पोजीशन पर है, 2 टेंथ पोजीशन पर है, 4 हंड्रेड पोजीशन पर है, 6 थाउजेंड पोजीशन पर है, 7 10,000 पोजीशन पर है एंड 8 लाख पोजीशन पर है. तो हम इसको अब कैसे रीड करेंगे, 8 लाख, 7 10,000 पोजीशन पर है, 6,000 पोजीशन पर है, तो ये नंबर एक साथ पढ़ा जाएगा यानी कि 76,000. इसी तरह 400 पोजीशन पर है, 2 टेंस एंड 1 वंस, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 8,76,421. 8,76,421. अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे. मैं यहाँ पे एक नंबर ले रही हूँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. अब देखते हैं क्या क्या प्लेस वैल्यूज होंगी इसकी. 3 वंस पोजीशन पर है, 4 टेंथ पोजीशन पर है, 5 हंड्रेड पोजीशन पर है, 6 थाउजेंड पोजीशन पर है, 7 10,000 पोजीशन पर है, 8 लाख पोजीशन पर है एंड 9 10 लाख पोजीशन पर है. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 9 10 लाख पोजीशन पर है, 8 लाख पोजीशन पर है, इट मींस ये पढ़ा जाएगा 98 लाख. 7 10,000 पर है, 6,000 पर है, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, 76,000. 500 पर है, 4 3 पर टेंथ पोजीशन पर है और 3 वंस पोजीशन पर है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 543. अब इसको हम एक साथ पढ़ेंगे 98,76,543. होप स्टूडेंट्स आपको ये इंडियन सिस्टम अच्छे से क्लियर हुआ होगा. आप घर पे और भी नंबर्स लेके इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड आपको और अच्छे से समझ में आएगा. थैंक यू.